मॉर्निंग पब्लिक, गुड मॉर्निंग फॉर्म अजमेर। तो कल रात हमने ख़त्म की थी आगरा में, चार दिन में हम चार स्टेट बदल चुके हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अब आ चुके हैं राजस्थान। तो कल मैंने जैसा आपको बताया था, हम लोग ने की थी बस की टिकट बुक रात में अजमेर शरीफ के लिए, जो कि हमने पकड़ी थी रात को 9 बजे, और हम लोग आज सुबह पहुँच चुके हैं 6 से 6 बजे के करीब। एंड यहाँ पे हम लोग ने होटल लिया, अभी थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और अब निकल रहे हैं दरगाह के लिए। 9 बज रहे हैं अभी, तो सबसे पहले जाएंगे दरगाह की ज़ियारत करने, फिर उसके बाद आसपास की कोई नज़दीक में जगह हो तो वहाँ भी ज़रूर घूमेंगे, बिकॉज हमारी ट्रेन है मुंबई के लिए शाम को 4 बजे की, तो टाइम बहुत कम है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 से 4 घंटा रहेगा थोड़ा अजमेर शरीफ घूमने के लिए। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा एंड फ्रेश फील हो रहा है, बिकॉज अभी मुझे बहुत बहुत साल से आना था मुझे, और मैं तो मुझे अम्मी के साथ आना था, बट अम्मी के साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम अम्मी के साथ ही आऊँगा। तो चलिए अभी मैं आया हूँ, तो मैं अभी घूमता हूँ अजमेर, आपको भी दिखा दो अजमेर शरीफ। तो गाइस दरगाह हम जाके आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही गर्दी थी आज, वैसे गर्दी रोज़ ही होती है, तो ऐसे अंदर की मैंने वीडियो नहीं लिया है कोई भी दरगाह की। और अब हम बढ़ रहे हैं मार्केट की तरफ, ये है अजमेर का मार्केट जो कि दरगाह से बाजू में ही है, एंड ये रास्ता जाता है 2.5 दिन की झोपड़ी पर। तो अब हम जा रहे हैं 2.5 दिन की झोपड़ी, जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है अजमेर की। उसके बाद में हम गए थे 2.5 दिन की झोपड़ी, और अब आ रही है अन्ना सागर की। तो देख सकते हैं आप, ये है अन्ना सागर मेरे पीछे, जो कि एक पॉन्ड है, बहुत ही बड़ा है। एंड यहाँ पे टिकट था 25 रुपीज़ का, आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पीछे बोटिंग वगैरह भी है। यहाँ से अगर आप दरगाह से आते हो तो कुछ आपको जो ऑटो वाला है वो 10 रुपया पर पर्सन लेता है। तो पब्लिक पूरी तरह से हमारा घूमने के बाद
ये ट्रिप का होने जा रहा है एंड, बिकॉज चार दिन हम लोग लगातार देख लिया आपने कि मैं सब जगह अलग अलग स्टेट में ही थे, जो भी हम लोग को दिल्ली, आगरा, महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था हम लोग ने, उसके बाद में हमने ख़त्म किया राजस्थान अजमेर में। ये दिन जो मेरा ट्रिप था सिर्फ चार दिन के लिए था, बिकॉज उसका रीज़न ये था कि मुझे पाँचवें दिन मेरे ऑफिस जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, हर एक दिन में हम लोग को एक एक ही जगह जाने मिला, फिर भी हम लोग ने बहुत जगह कवर करने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोग का जो ऐसे आज अभी जिधर हम लोग थे अजमेर में, यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं, पुष्कर, रेगिस्तान वगैरह बहुत सारी जगह है, बट टाइम की कटौती होने की वजह से हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है। 6:40 का भी हमारा ट्रेन है अजमेर से ही, जो कि हमें सुबह छोड़ेगा बांद्रा 7:30 बजे के आसपास हमारे मुंबई। तो अभी बज रहे हैं कुछ 3, अभी बस चेकआउट करेंगे होटल से एंड बढ़ेंगे अपने ट्रेन स्टेशन की तरफ। ट्रिप बहुत हम लोग का फास्ट गया, ये चार दिन हम लोग को पता भी नहीं चला कैसे गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा जगह हम लोग घूमे हैं, बहुत ट्रैवलिंग हो गया है, हर जगह हम लोग ने कहीं ना कहीं बहुत फटफट ट्राई किया है। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट अभी महसूस नहीं कर रही है इतना, तो लेकिन गारंटी है कि घर जाने के बाद जब हम लोग बेड पर लेटेंगे अपने आप पता चलने वाला है जो थकान हम लोग की निकलने वाली है। बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल तो हमें करते रहना है, जितना ट्रैवल करेंगे उतना एक्सप्लोर करने मिला, उतना एक्सप्लोर करूँगा उतना मैं ब्लॉग बना पाऊँगा, जितने मैं ब्लॉग बना पाऊँगा उतने आप देख पाएंगे। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज के डे 4 को भी, सीधा भी यहाँ से तो सिर्फ ट्रेन ही मिलनी है एंड ट्रेन से हम जाएंगे अपने घर। तो अगर आपको मेरे पूरे सारे मेरे जो डेज वाइज मैंने जितने भी ब्लॉग्स बनाया था मेरे, जो अगर आप एपिसोड कहे या सीरीज़ कहे आपको पसंद आया, तो अभी आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, एंड अगर बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो कर दो, बिकॉज हमारा चैनल अभी मोनेटाइज भी हो चुका है, तो ऑब्वियस अभी मुझे यूट्यूब से इनकम आने चालू हो चुकी है आप लोग की वजह से। तो चलिए फिर ख़त्म करते मेरे इस सीरीज़ को, अभी बहुत जल्द और भी ट्रैवलिंग करेंगे, बट आने वाला एक महीना थोड़ा शांत रहेगा, बिकॉज आ रहा है रमज़ान, तो एज यू नो रमज़ान में तो हम कहीं जा नहीं सकते, ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं सकते, फिर होगी ईद, ईद बाद फिर से हम मचाना स्टार्ट करेंगे। तो सी यू गाइस।